एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, एसएसटी में आप लोग फुल मार्क्स कैसे लेकर आओगे एंड एसएसटी की प्रिपरेशन कैसे करोगे विद इन मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, यानी कि सबसे कम दिनों के अंदर आप एसएसटी की प्रिपरेशन फुल कर सकते हो। एंड टुडे मैं आपको बोर्ड पर नहीं, अभी आपके सामने आपको प्लान बना के दिखाऊंगी एंड क्या क्या आपको स्टडी करना है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। विद इन 6 डेज और 7 डेज आप फुल एसएसटी कंप्लीट कर सकते हो विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोज के साथ, लेक्चर्स के साथ, एवरीथिंग वी विल बी एबल टू कंप्लीट। तो देखो, अगर आपको एसएसटी कंप्लीट करनी है, एसएसटी इज द मेन सब्जेक्ट, जितना आप साइंस को टाइम देते हो एसएसटी भी टाइम मांगती है, बट मैं आपको बता रही हूँ आज कि उससे कम टाइम में आप एसएसटी में फुल मार्क्स लेकर आओगे। कई बच्चों को एसएसटी बोरिंग लगती है, तो भाई सबसे पहले जब पढ़ने बैठोगे तो ये मत सोचना कि एसएसटी बोरिंग है, क्योंकि जब तुम मेरे चैनल से जाके वीडियो देखोगे तो तुम्हें एसएसटी बोरिंग नहीं लगेगी, ना ही ऐसा लगेगा कि कोई आके बस बोले जा रहा है। ईच एंड एवरी वीडियो में, ईच एंड एवरी चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है लाइन बाय लाइन, कि तुम इनग्रॉस हो जाओगे उसके अंदर, तुम बिल्कुल ही नेशनलिज्म इन यूरोप के ज़माने में पहुंच जाओगे। तुम ऐसा लगेगा यार, नेपोलियन क्यों ज़बरदस्ती आर्मी में रिक्रूटमेंट्स करा रहा है, क्यों ये कंजर्वेटिज्म दोबारा लेकर आए, क्यों रोमांटिसिज्म में क्या क्या होता था। दास वोक्स कहता है एवरीथिंग चैप्टर के अंदर घुस के पढ़ाई करनी है तो पता चलेगा। सिविक्स का पावर शेयरिंग जाके वीडियो से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि मेजोरिटिज्म एंड पावर शेयरिंग रियलिटी में क्या होता है। जैसे हम घर पे पिज्जा के लिए लड़ते हैं ना कि यार ये वाला हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा मेरा है, वैसे ही बेल्जियम में लोग आपस में लड़ रहे थे। तो इस तरीके से मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं और अभी इसी तरीके से मैं आपका पूरा प्लान रेडी करा रही हूँ। रादर देन मेकिंग द वीडियो ऑन डिजिटल बोर्ड, आई थॉट आज मैं तुम्हें खुद प्लान बना के दिखाती हूँ और तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि यार मैं इतना सोच रहा था एसएसटी कैसे होगी। एसएसटी तो 5 से 6 दिन के अंदर हो सकती है, वो भी 4-5 घंटे पढ़ के। नाउ एक बात मुझे आप बताओ कि क्लास 10th के बच्चे को अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले, एंड इवन न्यू क्लास स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं, कोई नया बच्चा 2022 बोर्ड एग्जाम वाला, तो तुम लोग भी ऐसी कोशिश करना कि 7 डेज में फुल एसएसटी कंप्लीट कर लिए और बाद में डिटेल स्टडीज भी आप लोग कर सकते हो। तो कोई भी बच्चा इसको फॉलो कर सकता है, एंड अभी जिनके बोर्ड एग्जाम्स है तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो मिनिमम 10 to 8 hours ऑफ स्टडी हम लोगों को करनी चाहिए। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ 8 hours ऑफ स्टडी हमने डिसाइड कर लिया कि एक दिन में हम 8 hours ऑफ स्टडी तो करेंगे ही भाई, 8 hours तो बनते हैं ना, तो 8 hours ऑफ स्टडी मेरे सारे बच्चे रोज करेंगे। तो हमने day 1 लिख लिया है। आई डोंट नो कि आप ये आज फॉलो करोगे, आज से कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम में जो प्रीलिम्स मिलेगी उसमें से फॉलो करोगे। जब भी आप इसे फॉलो करोगे ये प्लान सक्सेसफुल होगा। आप भी एक पेपर निकालो, मैं भी निकालती हूँ। day 1 को यार देखो, हिस्ट्री, सिविक्स, इको, ज्योग्राफी, हर एक में से कितने नंबर का आ रहा है, 20 नंबर का आ रहा है, ये सुनो 20 नंबर का है। हिस्ट्री में 2 चैप्टर है, दोनों 20 नंबर के। ज्योग्राफी में 4 चैप्टर है, प्लस मैप भी आ रहा है, वो भी 20 नंबर के। तो ज्यादा मेहनत किस में करें पहले, हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री की वेटेज अभी ज्यादा है। तो सबसे पहला चैप्टर, चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो चैप्टर है, द राइज, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ट्रोन, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आपको सबसे पहले करना है। इसकी 1.5 hours, 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है और वो वीडियो को मैंने ऐसे बनाया है कि बिना एनसीईआरटी खोले उस वीडियो को अगर देख लिया, अगर थोड़ी स्पीड तेज करोगे तो 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। और वो वीडियो में तुम्हें ऐसा चैप्टर समझ में आएगा कि हाँ भैया मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें, सिमरन दीदी से छोड़ो मैं इसे पढ़ लो तुम, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप सबसे पहले ये करोगे। अब देखो, ये चैप्टर 1.5 hours की मेरी वीडियो मान ली हमने कि आपने 1 घंटे की वीडियो देखी। 1 घंटे की वीडियो के बाद मैं सीरीज ऑन कर रही हूँ कल से ही, जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देती रहूँगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप राइज ऑफ नेशनलिज्म आपने चैप्टर पढ़ लिया, आप लोग रेस्ट लोगे एंड उसके बाद हर एक चैप्टर में आपको ऐसे करना है, चैप्टर रीडिंग कर ली फिर आप रेस्ट करोगे एंड देन यू विल चेक माई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। उसमें मैंने सबसे पहले क्या करा है, चैप्टर पढ़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में सबसे पहले आती है मेरी एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज में जब आपने चैप्टर पढ़ा और मैं एमसीक्यू करा रही हूँगी, तो मेरे से पहले आंसर आप बोल दोगे। जब हम एमसीक्यू एंड रीजन एजर्शन ट्रू फॉल्स फिलअप्स कर लेंगे, उसके बाद आप देखोगे शॉर्ट क्वेश्चन। एक ही वीडियो में सब कुछ है, एक राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की वीडियो, एक उसके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू लॉन्ग की वीडियो, फिर आप शॉर्ट लर्न करना है, शॉर्ट के बाद आपको लास्ट क्या लर्न करने होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये करना है कि 1 घंटे में मैंने वीडियो देख ली, 5 hours निकालने हैं इस चैप्टर के लिए, कितने यार 5 घंटे इस चैप्टर के लिए निकालने हैं। स्टार्टिंग के 1 घंटे में आपने वीडियो देख ली, बाकी के टाइम आप लर्न करोगे। और सबसे ज़्यादा लर्न किसे करना है, एमसीक्यू को नहीं, रीजन एजर्शन को नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन को नहीं, सबसे ज़्यादा टाइम आपको देना है 2 से 3 घंटे
राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो प्लेलिस्ट गिवन है, SST के रिविजन बैच की जिसका नाम है सोशल साइंस का धमाका, और SST के डिटेल एक्सप्लेनेशन की। रिविजन बैच से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, डिटेल एक्सप्लेनेशन से वीडियो देखी और चैप्टर कंप्लीट। तो तुम्हारे 5 आवर्स इसके अंदर लगने चाहिए, इससे ऊपर मत देना। एंड उसके बाद इसके साथ में तुम्हें करना है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। दो चैप्टर तुम्हें सेम मैंने स्टेप्स बता दिए हैं, वीडियो देखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे और ये आपका मिनिमम 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। 15 मिनट्स की इसकी वीडियो है और बाद में आप इसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करोगे। जो क्वेश्चंस मैंने बताया उन्हें लर्न कर लेना, पूरा प्रिपेयर है चैप्टर, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर हर एक में से क्वेश्चन निकाल के मैंने वीडियो में बना दिया है। तो हमारा डे 1 हो गया कंप्लीट, हमने करे 2 चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड पावर शेयरिंग। अब डे 2 पे कौन सा चैप्टर लेंगे हम, वही द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये जो चैप्टर है ये भी मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, इसको भी हम यही 5 आवर्स देने वाले हैं। ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इसके साथ में आप करोगे यस सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। जब हमें पता होता है क्लियर कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, तो हम उस काम को अब कंप्लीट कर लेते हैं। बड़े बड़े राइटर्स ने बोला है कि अगर पेपर पे कोई काम लिख लिया गया है तो उसके पूरे होने की ज़्यादा चांसेस है, तो आपने ये भी लिख लिया। नेक्स्ट डे पे चैप्टर 2, ठीक है। आपने 7 आवर्स की स्टडी करी है, यहाँ पे अब 1 घंटे आपके पास और भी बचा है, तो उस 1 घंटे में आप अपनी मैथ्स कर सकते हो। बिकॉज मैंने कहा ना मिनिमम 8 आवर है, कई लोग 10 घंटे भी पढ़ते हैं, तो 7 आवर्स में आपकी SST कंप्लीट हो गई और बाकी के 1 घंटे आप मैथ्स भी कर सकते हो। अब डे 3 पे देखो हमारी हिस्ट्री हो चुकी है कंप्लीट, 20 नंबर हमारे फुली प्रिपेयर हो जाते हैं। तो हिस्ट्री के बाद हम लोग क्या लेंगे और सिविक्स के भी 2 चैप्टर, हम सिविक्स का 3rd चैप्टर देखेंगे, कौन सा है आपका पॉलिटिकल पार्टीज। और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं आपके, बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकते हैं, उसी वे में वीडियो देखोगे आप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे। तो जितना टाइम आपके पास इन दोनों चैप्टर्स को करने के बाद बचेगा, आफ्टर दैट यू विल डू योर मैथ्स, ठीक है। डे 3 के अंदर 3 दिन के अंदर हिस्ट्री सिविक्स पूरी कंप्लीट कर दी, 40 नंबर का प्रिपरेशन हमारा हो गया 3 दिन में। जो तुम सोच विचारों में वेस्ट कर रहे हो तो यार SST तो बहुत लंबी है। अब आते हैं हम डे 4 पे, रैदर देन टेकिंग ज्योग्राफी फर्स्ट। देखो हिस्ट्री सिविक्स पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं हम, तो ज्योग्राफी थोड़ा टफ होता है, तो उससे अच्छा हम पहले लेंगे इको। और फर्स्ट डे पे इको के 3 चैप्टर निपटा दोगे, 3 चैप्टर बहुत आसान है। पहला डेवलपमेंट मनी एंड क्रेडिट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बहुत ही आसान चैप्टर है। तीनों वीडियोज गए मैंने, 20-20 मिनट की वीडियो है, वीडियो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें। एंड इनफैक्ट इको का अगर आप चैप्टर भी रीड नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो, उससे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बना लिया कि इको के 3 चैप्टर 1 दिन में कंप्लीट। नेक्स्ट आ गया डे 5, डे 5 को आप करोगे ग्लोबलाइजेशन, इको का लास्ट चैप्टर, और साथ में करोगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का चैप्टर। इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से कंप्लीट करना है। ये जो पेपर है इसकी पिक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि आप लोग भी अपना प्लान ऐसे ही बना लो। डे 5 हो गया है और हमारी इको भी कंप्लीट हो गई, सिविक्स भी कंप्लीट हो गई, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई और ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। डे 6 को हमने क्या करना है, द रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के कौन कौन से चैप्टर आपके बचे, उसके बाद बचा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ज्यादा आप लोग डीप में मत जाया करो, एग्रीकल्चर की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी। एग्रीकल्चर में क्या पढ़ना है आपको, कुछ भी नहीं, क्रॉप्स नहीं, मेजर प्रोड्यूसर, लार्जर प्रोड्यूसर। तो उसके लिए एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ने में टाइम वेस्ट ज्यादा करने से अच्छा आप एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आपके पास कोई रिफ्रेशर है रिटन फॉर्म में जिसमें है, उसमें से MCQs लॉन्ग शॉर्ट को बार बार लर्न करना, एंड एग्रीकल्चर के आपको एक एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें सारे के सारे मिनरल्स के बारे में। देखो ज्योग्राफी जो है ना, रैदर देन वॉचिंग द चैप्टर वीडियो, ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोज पे आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि मैंने भी बना दिया वो वीडियोज, मैंने चैप्टर भी बना रखे। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न कर लिए तो ज्योग्राफी में ज़्यादा कुछ नहीं है करने का। एंड लास्ट आप कर लोगे लाइफलाइंस, बहुत इजी चैप्टर है ये। तो डे 6 तक आपकी ज्योग्राफी भी पूरी कंप्लीट हो गई, और 1 दिन में ज्योग्राफी के 3 चैप्टर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि मेजर फोकस क्या है आपको, क्या करना है, सिर्फ क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अब डे 7 पे आप लोगों को क्या करना है, डे 7 पे आप निकालोगे CBSE का सैम्पल पेपर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। डे 7 पे आग बंद करके सैम्पल पेपर को सॉल्व कर दोगे एंड तुम्हारी फुल प्रिपरेशन फॉर द SST बोर्ड एग्जाम विल बी फुल एंड फाइनल। 100% रिजल्ट है इस टाइम टेबल को फॉलो करने का, इस टाइम प्लान को, कि भाई SST 7 दिन के अंदर विद सैम्पल पेपर फुल कंप्लीट हो सकती है। और
मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, हिस्ट्री में फोकस करना है, चैप्टर वीडियो देखनी है, फुल वीडियो देखने के बाद लॉन्ग आंसर्स ज़्यादा लर्न करने हैं. वाई? बिकॉज लॉन्ग कर लिए तो शॉर्ट अपने आप हो जाते हैं. सिविक्स में पावर शेयरिंग की 20 मिनट्स की वीडियो देखी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस. हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बाद नेशनलिज्म इन इंडिया की भी एक्सप्लेनेशन पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना, लॉन्ग क्वेश्चन करना एंड देन शॉर्ट. अब आते हैं हम जो अपने सिविक्स के ऊपर, सिविक्स की वीडियो देखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट करोगे हो जाएगा कंप्लीट. इको बहुत आसान है, आप एक दिन में 3 चैप्टर इको के कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है. ठीक है, साइंस का एक लाइफ प्रोसेस है और इको के 3 चैप्टर दोनों इक्वल बराबर हैं. ठीक है, तो अब आ जाते हैं लास्ट ज्योग्राफी के ऊपर, जो आप एक दिन में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लेंदी चैप्टर है इसके करोगे और साथ में ज्योग्राफी लास्ट डे पे, ये तीनों कंप्लीट. तो इस प्लान को हर एक बच्चे को फॉलो करना है, इसकी ले लो फोटो एंड इसके हिसाब से ही इसको कंप्लीट करना है. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की. तो मैं आज से, यानी कि आज शाम से या फिर कल सुबह से, फिर से ये जो प्लान मैंने बनाया है, कल से इन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के शॉर्ट वीडियोस YouTube पे शॉर्ट फीचर लॉन्च हुआ है 30 सेकंड्स का. तो उसमें मैं आपको मिनिमम क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, यानी भंडारा लगा दिया क्वेश्चंस का, नहीं, मिनिमम क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी जो आपको प्रिपेयर करने ही करने फॉर योर बोर्ड एग्जाम. एंड उसका इफेक्ट आपको पता चलेगा कि आज जैसे जमीन यूरोप पावर शेयरिंग पढ़ना है, दीदी ने क्वेश्चन दे दिए, इनको तो जरूर करने ही करने, एंड देन यू विल फील द कॉन्फिडेंस. और जो बच्चे कभी बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शॉर्ट वीडियोज का लिंक मिलते जाएंगे, उन सबको आपको प्रिपेयर कर लेना है. ओके, की क्या है? लॉन्ग आंसर्स पे ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को, रैदर देन गोइंग टूवर्ड्स MCQ की एक बार वीडियो देखी, लॉन्ग लर्न कर लिए, शॉर्ट अपने आप हो जाते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट MCQ और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लर्न कैसे होते हैं, तो उसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना दी थी कि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन SST के कैसे लर्न कर सकते हो. मैंने ट्रीटी ऑफ वियना का क्वेश्चन विद इन 1 मिनट सब बच्चों को लर्न करवा दिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके उस वीडियो से अपना लर्निंग प्रोसेस को अच्छा कर सकते हो. इफ़ यू वॉन्ट वीडियोज़ लाइक दिस, टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. में साइंस की वीडियो बना चुकी हूँ ऐसे ही 7 डेज में साइंस कंप्लीट करने के लिए, सैम्पल पेपर का लिंक गिवन है. सो गो एंड गिव अ हिट टू दिस प्लान एंड बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक. सोशल साइंस का धमाका एंड सोशल साइंस डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. धमाका सीरीज में क्या है, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट. तो गो एंड गिव इट अ हिट. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम. नाउ आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.